नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर, वक्त हो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। हर तरफ प्रत्याशी अपने मुद्दों को लेकर ग्रामीणों के बीच जा रहे हैं और उनके पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। हलचल इंडिया के खास कार्यक्रम ग्राम चौपाल के तहत आज हमारी टीम ने जनपद शामली की कई ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों का भ्रमण किया और यहां पर प्रत्याशी और जनता से बात की। शामली की ग्राम पंचायत सोनता रसूलपुर में हमने दौरा किया और गाँव की मुख्य समस्याओं को जाना, जहां हमने ग्रामीणों के साथ साथ ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवारों से बात की, जिन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को गिनवाया। ग्राम पंचायत सोनता रसूलपुर से ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार राव इस्लाम से हमने बात की। उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को गिनवाते हुए कहा कि उनका चुनाव लड़ने का मकसद गांव का विकास करना है। गांव में उच्च स्तर की शिक्षा के लिए स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए गांव में चिकित्सकों की व्यवस्था करेंगे। साथ ही उन्होंने गांव में गंदगी और टूटी सड़कों से ग्रामीणों को निजात दिलाने का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर जनता उन्हें जिताने का कार्य करती है तो वह गांव में चहुंमुखी विकास करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। शामली जनपद के हम ग्राम पंचायत सोनता रसूलपुर में है, जहाँ पर प्रत्याशी अपनी जद्दोजहद में लगे हैं। मात्र 48 घंटे रह गए हैं मतदान को लेकर और आज प्रचार का आखिरी दिन है। इसको लेकर ग्रामीणों के बीच सभी प्रत्याशी जा रहे हैं और अपनी अपनी विकास योजनाओं और आने वाले उद्देश्य को लेकर गांव के बीच जाकर ग्रामीणों से बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक प्रत्याशी मौजूद है जिनका नाम है राव इस्लाम, जो कि ग्राम प्रधान पद के लिए यहाँ पर प्रत्याशी हैं, और हम उनसे बात करेंगे, साथ ही साथ ग्रामीणों से बात करेंगे कि वो किन प्राथमिकताओं को अपने गाँव में लाना चाहते हैं और क्या क्या चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद है राव इस्लाम जी, इनसे बात करेंगे। राव इस्लाम जी, स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। हम जानना चाहते हैं कि आप किन प्राथमिकताओं को लेकर गांव के बीच जा रहे हैं और ग्रामीणों से अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं, क्या क्या प्राथमिकता आपके उद्देश्य हैं? मैं विकास करना के जा रहे जी, जो एक हरिजनों का पंचायत घर नहीं बना आज तक, उनका उस हिसाब से वोट मांग रहे और कुछ सड़कों के हिसाब से मांग रहे जी, बस अपना वही काम कर रहे। पिछले 5 सालों में क्या हुआ आपके गाँव में, क्या समस्याएं थी? हरिजनों में आज तक भी पंचायत घर नहीं बनाया, कोई पंचायत घर नहीं बना आज तक। शिक्षा को जी स्कूल बनवाओगे 12वीं तक का, कोई 8वीं तक का तो हमारे यहाँ अस्पताल की व्यवस्था है, डॉक्टर नहीं बैठते जिसमें भी, बच्चा बड़ा है जच्चा बच्चा बड़ा। इसको लेकर क्या करेंगे आप जी? डॉक्टर की बात करेंगे, डॉक्टर को बिठवाऊंगे इसमें। साफ सफाई को लेकर क्या कहेंगे, साफ सफाई कैसी है गाँव में? साफ सफाई तो देख लो जी, सारे में गंदगी गंदगी हो रही, साफ सफाई साफ करवाऊंगे, बिल्कुल साफ सुथरा गांव को रखेंगे। सफाई व्यवस्था, शिक्षा और अस्पताल, ये मुद्दे इन्होंने गिनवाए और हम इस वक्त यहाँ पर पूर्व प्रधान हैं उनसे बात करेंगे। पहले प्रधान रह चुके हैं, उन्होंने भी अपने गांव में क्या क्या कार्य किए और आगे क्या कराना चाहते हैं, क्या उनकी प्राथमिकता है, आने वाले प्रधान से क्या उम्मीद वो रखते हैं। जी आपका नाम जी? चलो, पिछली बात पर तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, पर आने वाले समय में जो है चौमुखी विकास करेंगे और इस गांव का हर नागरिक का सम्मान करेंगे और बिजली की व्यवस्था, शिक्षा की और साफ सफाई की और हर चीज़ से यहाँ हम जो है चौमुखी विकास करेंगे और जो आदमी जुड़े हैं उनका तो तय दिल से शुक्रिया ही, पूरे गांव का हर तरह सम्मान करेंगे हर नागरिक का और आने वाला का भी, जैसा आप आए आप जैसा कोई पूरा सम्मान देंगे। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूँ। क्या अपील करना चाहेंगे गाँव की जनता? गांव की जनता से जो है, किस बारे में? आपने प्रत्याशी के बारे में क्या अपील करेंगे? अपने प्रत्याशी के बारे में, हमारा प्रत्याशी जो है सभ्य है, सादा है और शिक्षित है, ये पूरी तरह से जो है हर चीज में सक्षम रहेगा और निस्वार्थ सेवा करेगा गांव के लोगों की। आने वाली 26 अप्रैल को मतदान है, ग्रामीणों से क्या कहेंगे आप? भाई, हम तो सबसे हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि 26 तारीख में ज्यादा से है राव इस्लाम के किताब के निशान पे जो है चुनाव चिन्ह है उस पे ही भारी मतदान करें और हम जीत करेंगे और आदमियों का सम्मान करेंगे। बिल्कुल, सम्मान जरूरी है, ग्रामीणों का सम्मान पहले प्राथमिकता रखता है, इसके बाद विकास योजनाएं, क्योंकि जब तक सम्मान नहीं होगा तो गांव के अंदर कोई विकास कार्य नहीं हो सकता। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद, उनसे बात करेंगे। जी आपका नाम बताइए। मास्टर अमित जी। अमित जी, बताइए कि गाँव के अंदर क्या विकास कार्य आप चाहते हैं, क्या समस्या सबसे बनी हुई? एक तो गाँव में साफ सफाई हो जी अच्छी तरीके से और सब भाई, सब गांव वाले जो है मिलजुल कर आपस में रहें। हमारे यहाँ अस्पताल है, वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, उसकी व्यवस्था हो, वहाँ पर डॉक्टर बिठाए आवे और जो सड़क गंदी है, नालियाँ गंदी हैं, उनकी साफ़ सफाई जी अच्छी प्रकार से हों। आपस में जो झगड़े हैं गांव के, वे आपस में बैठ के प्यार मोहब्बत से यहीं पर उनका निस्तारण हो, बस मैं तो यही कहना चाह रहा जी। और हमारा चिन्ह है किताब का 5वें नंबर पर है, सभी ग्रामवासियों से मैं अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किताब का
बटन दबाकर इस्लाम प्रधान जी को विजय बनाएं। शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्था, ये बड़े मुद्दे गांव के अंदर रहते हैं और इन्हीं को लेकर ग्रामीण अपना अगला प्रत्याशी चुनने के लिए लगातार वोट करेंगे, मतदान करेंगे। 26 अप्रैल का मतदान है। हलचल इंडिया आपसे अपील करता है कि 26 अप्रैल को अपने मत का प्रयोग जरूर करें, अपने अधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा अर्षद राव। अर्षद राव जी, बताइए कि गाँव में कैसा प्रत्याशी आप चाहते हैं, किन समस्याओं का निदान चाहते हैं? देखो जी, सबसे पहले शिक्षा, उसके बाद फिर जो मेडिकल लाइन में यहाँ पे बाहर जाना पड़ता है, गांव में शहर में जाना पड़ता है, उसके लिए कोई अस्पताल की सुविधा अच्छी होनी चाहिए और साफ़ सफाई, ये बहुत ज़रूरी है। शिक्षा को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है शिक्षा को, लेकिन गांव में 8वीं तक का स्कूल है, इसके बाद बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या समस्या आती है? उसके बाद थाना बन जाते हैं और ये बहुत समस्या की बात है। तो इसमें कोई कॉलेज या स्कूल होना चाहिए 12वीं तक का, या फिर कॉलेज भी हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। शिक्षा जैसे थाना भवन जाते हैं, कितने किलोमीटर यहाँ से पड़ता है? लगभग यही 3-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर करीब पड़ता है। बच्चों को आप हाईवे भी है, भी इसमें काफ़ी समस्याएं होती होंगी? जी बहुत समस्याएं होती है जाने में, यहाँ पे छोटे मोटी कुछ गाड़ियाँ लगी हुई हैं वो जाती हैं, उससे समस्या, कुछ किसका अपना खुद का वाहन है, परेशानी तो है, तो इसके लिए भी कुछ सुविधा होनी चाहिए। कैसा प्रत्याशी आप चाहते हैं, कौन आपको गाँव में इस वक्त लग रहा है कि आपके मुद्दे पर? जी राव इस्लाम से बोल, राव इस्लाम जी जो हैं बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, किताब का निशान है ही नहीं, हम सपोर्ट करेंगे पूरा पूरा। गांव का विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसी को लेकर गांव की सरकार चुनी जा रही है। गांव की सरकार चुनने के लिए 26 अप्रैल का मतदान, तीसरे चरण का शामली की सभी ग्राम पंचायतों, जिला पंचायत और बीडीसी मेंबर के लिए चुना जाएगा। इसको लेकर हम फिर आपसे अपील करते हैं कि मतदान अवश्य करें, आपका वोट आपके गाँव के विकास में महत्वपूर्ण साबित होगा। जी आपका नाम? मोहम्मद उमेर। उमेर जी, बताइए कि गाँव की समस्याओं को लेकर क्या कहेंगे, कौन सी समस्या है जो आपको गांव का? एक तो प्रतियोगिता जो होती है गांव के अंदर, खेल कूद है या बच्चों के रेस वेस का है, ट्रिप वगैरह का है, एक तो उसको बनवाना है। और एक जैसे हाई स्कूल नहीं, गांव के अंदर प्राइवेट स्कूल है 8वीं तक के, तो हाई स्कूल बनवाना है। और इंटर कॉलेज नहीं है यहाँ पे, इंटर कॉलेज के लिए थाना बन जाते हैं, 7 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो एक इंटर कॉलेज के लिए व्यवस्था करनी है, तो ये शिक्षित के उसमें करना है। अस्पताल को लेकर क्या कहेंगे, अस्पताल जैसे यहाँ पर चिकित्सक नहीं बैठते, कहाँ जाते हैं जच्चा बच्चा, जो मरीज हैं, जो बच्चे हैं, बीमार बच्चे हैं, उनके लिए क्या? उनके लिए हॉस्पिटल तो यहाँ पे 10 साल पहले बन गया था, लेकिन उसमें आज तक कोई डॉक्टर नहीं बैठे। यहाँ पे गंदगी इतनी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा होती है उसमें, तो वहाँ पे डॉक्टर वगैरह इस साल बिठवा देंगे इंशाल्लाह। कोरोना महामारी का दौर है, बीमारियाँ गंदगी से ज़्यादा फैलती हैं, लेकिन कोरोना कैंप या किसी तरह का स्वास्थ्य शिविर आपके गाँव में लगा? नहीं, अभी तक कोई शिविर नहीं लगा यहाँ पे, और आगे अगर प्रधान बन गए इंशाल्लाह शिविर लग जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि इस समय जगह जगह स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, और ग्राम प्रधान का पद एक ऐसा पद होता है जिससे गांव में छोटे छोटे स्वास्थ्य कैंप लगाकर लोगों की बीमारी को दूर किया जा सकता है, उनसे बात की जा सकती है, उनके बीच जाकर उनकी बीमारियों पर शिकंजा कसा जा सकता है। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या गांव की व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या उन्होंने पिछले 5 सालों में देखा और आने वाले 5 सालों में क्या देखना चाहते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद सुजैल। ये बताइए कि गांव में क्या समस्याएं आपके सामने हमेशा आती रहती है? समस्या यह है जी, सारी सफाई नहीं होती सुंदर स्कूल के अंदर, जो सरकारी अस्पताल बनाया था हमने, हमारा प्रधान भुट्टू प्रधान ने बनाया था, वो उसमें आज तक डॉक्टर नहीं बैठा प्रधान पे, अब उसकी कोशिश भी करेंगे पर जल्दी से जल्दी डॉक्टर बिठाएंगे, जो सुनतर सुलपुर अंदर जो काम नहीं हुआ वो करके काम दिखाएंगे हम। ग्राम पंचायत हमारे सोनता रसूलपुर में हम मौजूद हैं, और यहाँ पर ग्राम पंचायत रसूलपुर से प्रत्याशी राव इस्लाम भी हैं और कई प्रत्याशी जद्दोजहद में लगे हैं और अपने अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। हलचल इंडिया फिर आपसे अपील करता है कि मतदान अवश्य करिए, आपका मतदान आपके गांव के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जी आपका नाम? लुकमान अली। लुकमान जी, बताइए गाँव में समस्या क्या क्या बनी हुई है? गाँव में जो है सफाई की समस्या, एक जो है अस्पताल की समस्या है, बैंक की समस्या है, समस्या तो बहुत सारी हैं, और उन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए हमने प्रधान जी को खड़ा किया है, और अगर हम ये प्रत्याशी में प्रधान पद के उम्मीदवार हो गए और प्रधान बन गए तो इन समस्याओं का समाधान सबसे पहले होगा। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या कहेंगे? स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ बिल्कुल नील हैं, एक भी अस्पताल नहीं है, ना कोई कैंप लगता है यहाँ पर। ये बताइए, यह शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर लोगों को दर बदर भटकना पड़ता है,
तो क्या पिछले 5 सालों में या पिछली योजनाओं में क्या हुआ, क्या आप पिछले 5 सालों में आपने अधिकारियों तक का चक्कर लगाया? अधिकारियों तक चक्कर लगाया लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। ग्राम प्रधान से क्या विचार रहे? ग्राम प्रधान जो है, ग्राम प्रधान ने बस जहाँ तक कोशिश हुई उससे की गई लेकिन सुधार नहीं हो पाया। असफल रहे? असफल रहे। शिक्षा होना बहुत जरूरी है, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य, अच्छी सेहत और सेहत के साथ साथ खेल कूद एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों से निकलने वाला खिलाड़ी ओलंपिक तक पहुँचता है और देश और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करता है। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग 26 अप्रैल को मतदान करें। तीसरे चरण का मतदान बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपके गाँव की सरकार बनती है। हलचल इंडिया से इकराम राणा, अर्शद जमाल के साथ हिमांशु पाल।